दोस्तों, मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ। इस ड्राइंग को आप एक बार देखिए। देखने बाद आप ये कहेंगे इसमें देखने के लिए है क्या, ये तो इसमें है ही नहीं कुछ। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसमें आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड चीज़ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं जानते हैं, जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप इस वीडियो को देखिए, आगे मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। 7 होल डाया 10 ऑन PCD 60। 60 की PCD पे 7 होल लगेंगे जिसका डायामीटर होगा 10 mm। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। अब चलते हैं इसमें जो समझने वाली बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो आप समझिए। यहाँ पर लिख रखा PCD। अभी मैं पूछूंगा कि भाई PCD का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो मुझे पता है कि 80% लोग बता देंगे कि PCD का फुल फॉर्म क्या होता है। शायद 20% ना बता पाए, चलो उनके लिए सही। और अगर 80% बता पाते हैं तो उनके लिए भी कुछ है। चलिए, PCD का जो फुल फॉर्म होता है पिच सर्कल डाया, ये होता है PCD का फुल फॉर्म। ठीक है, 80% लोग जानते हैं, मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या वो 80% वाले बंदे मुझे ये बता सकते हैं कि पिच सर्कल डाया इन तीनों में क्या चीज़ है, कहाँ पर है ये? मुझे आप बताइए, पिच क्या हुआ, सर्कल क्या हुआ और डाया क्या हुआ? 80% में से मैं उम्मीद करता हूँ शायद 20% लोग ही इस चीज़ को बता सकेंगे कि पिच सर्कल डाया का मतलब क्या होता है। सामने वालों को आप कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे समझा सकते हैं भाई पिच सर्कल डाया क्या हुआ? तो चलिए इसके ऊपर एक बात कर लेते हैं। पिच सर्कल डाया क्या होता है? पिच तो ये होती है दोस्त, यहाँ से यहाँ की जो दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी या यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है, ये पिच होती है। एक से जो दूसरे की दूरी होती है, हम इसे कहते हैं पिच। अब ये सर्कल क्या होता है? सर्कल ये हो गया, जो ये ड्रिल लग रहे हैं ये सर्कल पे लग रहा है, ना कि ऐसे कोई स्क्वायर पे या कोई ऐसे रेक्टेंगल पे, बिल्कुल नहीं, ये सर्कल में लग रहा है। ये यहाँ से यहाँ पिच हो गया, ये सर्कल हो गया। और डी का मतलब क्या है? पिच सर्कल डाया, जो ये होल लग रहे हैं ये डाया है। पिच समझ गए हैं आप, ये पिच, ये सर्कल में ड्रिल लग रहा है, ये डाया है, ये डायामीटर। पिच सर्कल डाया का मतलब यही होता है। अगर किसी को एक्सप्लेन करना हो, समझाना हो, तो जो समझा सको आप। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, लेकिन समझने वाली बात है। अगर किसी को आप कहीं इंटरव्यू देने गए या सामने वाले को एक्सप्लेन करना हो, समझाना हो, तो कैसे समझाएंगे? इसलिए आपको इतना जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले आप ये जान लेते हैं कि इसमें हमें काम क्या करना है। ये हमारे पास एक पीस है, सेम ऐसा पीस है, आप देखेंगे यहाँ पर पीस है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, पीस है मेरे पास, अंदर हो रखा है। हमें क्या करना है, हमें 7 ड्रिल मारने हैं, जो कि आपको ड्राइंग में देखेंगे, ड्राइंग में ये दिया हुआ कि इसके सेंटर से, आप देखेंगे ये सेंटर लाइन है, यहाँ से इसके सेंटर से हमें ये ड्रिल मारने हैं जिसकी PCD होगी 60। यानी कि यहाँ पे देखते हैं हम, जो इसका सेंटर है, इसके सेंटर से ऐसे और ऐसे, जो इसका सेंटर निकलता है, इसके सेंटर से 60 डाई के PCD पे हमें 7 होल मारने हैं। ठीक है, 7 होल करने हैं 60 के PCD पे। तो अब हमें PCD जब ड्रिल मारना है, हम चलते हैं इसको मशीन पे, आपको बांध के भी दिखाएंगे, ड्रिल को मारने के लिए दिखाएंगे कि हमें क्या फार्मूला यूज करना पड़ेगा, कैसे मारेंगे आप। आपको कैसे पता चलेगा कि इस होल के लिए, इस होल के लिए यहाँ से मुझे कितना जाना है, या इस होल के लिए मुझे यहाँ से कितना जाना है, और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कितनी दूरी जाना है, कैसे पता चलेगा आपको? फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करते भी हैं कि ये हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई हमें यहाँ पे ड्रिल मार रहे हैं, हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, हम लोग यहाँ से क्या पूछ रहे थे, यहाँ से ये पूछ रहे थे, कभी ये पूछ रहे थे, ये चीज़ है क्या? ये होता है एक्स और वाई। जो हम इसकी CD यहाँ से चेक करते हैं वो एक्स और वाई में करते हैं। जब हम इसे मशीन पर जब ड्रिल मारने ले जाते हैं या होल करने ले जाते हैं, वहाँ पर हमें एक्स वाई में CD चाहिए होती है। जब भी तुम्हें पता चलेगा ना कि यहाँ से हमें यहाँ कितना जाना है और यहाँ से कितना आना है, तो मैं आपके लिए, मैं एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है, एक मेरे पास ड्राइंग और है, उसके लिए समझिए। मान लीजिए ये ड्रिल मारना था हमें CD पे, तो हमें यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस सेंटर लाइन से यहाँ तक हमें कितना जाना होगा, यहाँ पे कितना आएगा CD, और यहाँ से यहाँ पे कितनी दूर CD जाएगी, बताइए। इसको हम समझने के लिए, इसको हम, मैं मशीन पे करके दिखाऊंगा कि कैसे हम CD निकाल सकते हैं, कौन सी मशीन है, उसके बारे में आगे और भी बातें करेंगे।
जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी आपके लिए, बहुत जानने लायक की बातें होंगी। तो चलिए हम चलते हैं पहले मशीन पे और अपने इस जॉब को सेट करते हैं, और सेट करके हम देखते हैं कैसे हमें ड्रिल लगाना है इसमें। और एक जानकारी और दोस्तों मैं दे देता हूँ पहले, आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो ये होल लग रहा है वो पार है या हाफ राउंड है, यानी कि ये होल पार है या नहीं है, ब्लेंड होल है। इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे जो इसकी लाइन है बिल्कुल सेंटर लाइन यहाँ पर आके मैच होती है, ये लाइन आके यहाँ मैच होती है। तो यानी कि आप इसमें देखेंगे जब ध्यान से, तो ये चीज़ पूरा पूरा पार है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये पार है। यदि अगर ये पार नहीं होती तो यहाँ पर एक ऐसे यहाँ पर एंड हो जाता और ये जो लाइनें हैं या लाइनें यहाँ पर भी ऐसे ऐसे आ जाती हैं, और यहाँ से इसका आपको साइज़ दिया जाता कि ये यहाँ से इतना साइज़ है और इसकी गहराई जो होगी ड्रिल की वो इतनी गहराई होगी। लेकिन यहाँ पे पार दिखाया है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो भी आप ड्रिल मारेंगे वो बिल्कुल पार जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपनी मशीन की तरफ, हम देखते हैं इस मशीन को। अगर इस मशीन को जो भाई जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनको मैं बता देना चाहता हूँ, इस मशीन का नाम है MFSTR, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक बार बढ़िया सा एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, इसमें पूरी डिटेल दे दूंगा इस मशीन की। अभी फ़िलहाल में हमें सिर्फ ये जानना है कि हमें ड्रिल कैसे मारना है, हमें एक्स वाई की सीडी कैसे निकालनी है। तो चलिए मैं अपने जॉब को पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम अपने जॉब को सेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपना जो जॉब था, मैंने जॉब को यहाँ पर लगा लिया है 22 के अंदर, और यहाँ पर मैंने इसका सेंटर भी ले लिया है। अब इसका सेंटर मैंने कैसे लिया आप ध्यान दीजिए, इसके और इस होल के चारों होल के मतलब एक मैंने डायल कर लिया, इसका सेंटर निकाल लिया, इसका जो मेन पॉइंट था मेन सेंटर में आ चुका हूँ। आने के बाद में यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे 0-0 हो गया है, जो मेरे इसके सारे डायमेंशन है एक्स वाई, एक्स और वाई ये 0 हो चुकी है, ठीक है। मैं आपको एक्स वाई के बारे में भी बताता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ देखेंगे एक्स वाई हो चुका है, अब हमें करना क्या है। आप जो लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे मैं उनको बता देता हूँ कि ये DRO है, इसमें ही हम अपने PCD के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर एक यहाँ पर सिंबल दिखाई दे रहा है, ये सिंबल है PCD के लिए। देखें यहाँ पर ड्रिल लगने का निशान बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे क्लिक कर देंगे। जब हमने क्लिक कर दिया तो हमसे ये कहता है कि अभी आप सेंटर में हैं, देखिए यहाँ पर लिख रखा सेंटर, सेंटर 0-0 है आपका। तो भाई मेरा सेंटर तो 0-0 है, कोई बात नहीं, मैंने अपना सेंटर 0-0 रखा है। अब ये नेक्स्ट हमसे पूछता है, यहाँ पे जाना है हमें, नेक्स्ट दबा देना है। दबाने बाद ये डाया पूछता है, डाया वो पूछता है कि जिस डाया पे आपको ड्रिल मारना है। ध्यान देंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा कि आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने डाया बताया था 60, ये 60 के डाया पे हमें ड्रिल मारना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 60 टाइप कर देंगे। 60 यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ मैंने 60 टाइप कर देता हूँ, 60 हो गया। 60 करने बाद यहाँ पे देखेंगे हम इसको कर देंगे इंटर, इंटर कर दिया तो यहाँ पे देखेंगे 60 हो गया। फिर हम इसे यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन दबाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट ले जाएंगे। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ होल, जो आपको ड्रिल मारने हैं, जो आपको होल करने हो, कितने होल हैं। तो आपको बिल्कुल सिंपली यहाँ पे जाकर क्लिक कर देना है 7 पे, यहाँ पे हम जाते हैं 7 पे कर देते हैं क्लिक। 7 पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसे कर देते हैं इंटर, मैंने कर दिया इसको इंटर। इंटर करने के बाद हम फिर चलेंगे नेक्स्ट पे, यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट दबा देते हैं, हमने नेक्स्ट दबा दिया। नेक्स्ट दबाने बाद देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ST एंगल, ST एंगल का फुल फॉर्म होता है स्टार्ट एंगल, जो हम ड्रिल मार रहे हैं उसका स्टार्ट एंगल क्या बनेगा। तो आपको स्टार्ट एंगल यहाँ पे डालना है दोस्तों। जब आपको फर्स्ट स्टार्ट एंगल जब डालना है, तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो 360 जो पूरा पूरा सर्कल होता है वो 360 का होता है, हमें हमेशा 360 का होता है। अब हमें क्या करना है, 360 को डिवाइड कर देना है 7 में, यानी जो हमें 7 होल मारने हैं, ताकि हम डिवाइड करें, ताकि हमें स्टार्ट एंगल पता चल जाए। तो चलिए हम वैसे डिवाइड करके देखते हैं। देखिए ये है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में हम यहाँ पर टाइप करते हैं 360। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 7 में, 7 में डिवाइड करके देखते हैं हमें क्या निकल कर आता है। देखेंगे यहाँ पर आ रहा है 51.428, ये बात ध्यान रखना आप, दशमलव के बाद एक अंक पढ़े जाएंगे, 51.428 है। तो हम यहाँ पर जो स्टार्ट एंगल डालते हैं वो डाल देंगे यहाँ पे 51, फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पर आएगा 428। अब यहाँ पे देखेंगे आप 51
0.428 स्टार्ट एंगल हो गया हमारा, ठीक है। स्टार्ट एंगल पे बाद हम कर देंगे यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ANG एंड एंगल, मतलब जो उसका एंड एंगल होगा क्या होगा, एंड एंगल 360 ही रहेगा, क्योंकि हमेशा राउंड जो एंड जाता है एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पहुँचता है वो हमेशा एंड होता है, तो 360 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे हम 360 ही रहने देते हैं। अब इसको कर देते हैं फिर दोबारा से नेक्स्ट। यहाँ पे होल नंबर एक की सीडी ये लिखी हुई है, हम अगर एक्स वाई को यहाँ पे ऐसे लेके जाते हैं तो ये जाके जब जीरो हो जाएगा तो समझ ली होल नंबर एक आ गया। यहाँ से होल नंबर दो पे जाएंगे, इसके लिए ये सीडी है। होल नंबर तीन के लिए सीडी ये है। होल नंबर चार के लिए सीडी ये है। होल नंबर पाँच के लिए सीडी ये है। होल नंबर छः के लिए सीडी ये है। होल नंबर सात के लिए सीडी ये है, ठीक है। अगर हम इसे दोबारा रिपीट करते हैं तो ये दोबारा एक पे आ जाएगा, देखिए एक पे आ जाएगा, क्योंकि हमने सात होल के लिए डाला था, सात होल की इसकी फी सीडी आ गई है। अब एक बात, सबसे बड़ी बात, अगर बाय द वे अगर ये ख़राब हुआ तब क्या करेंगे आप, ठीक है। आपको ड्रिल मारना है, ड्राइंग मिल गई है, अगर ये चीज़ ख़राब है, ये आपके पास नहीं है या ख़राब है, तब आप उस केस में क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए हम इस सवाल के बारे में आगे बात करते हैं। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है ये कि अभी मतलब अभी ये आवाज़ निकल के आती है कि अगर मान लीजिए वो DRO ख़राब है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं और वो DRO ख़राब हो, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा केस कई बार मैंने देखा है कि कई बार DRO ख़राब होता है और लोग ड्रिल मार देते हैं, जस्टिफाई नहीं कर पाते कि भाई मशीन सही थी या नहीं थी, उन्होंने काम तो कर दिया लेकिन काम सही नहीं हो पाता, उस कंडीशन में क्या करें, कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो अगर मैं इस वीडियो में आपको बता दूँ, बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन वो वीडियो में अगर उसको डिटेल से सही से बताता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा आपको और कुछ नया ही सिखा के जाऊँगा, कुछ नया ही तरीका बताऊँगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जो मैंने बताया इसमें समझ में आया होगा। वो MNTR मशीन थी जिसको MFSTR बोलते हैं, उस मशीन में जो लगा हुआ था वो DRO था, ठीक है, DRO था। DRO पे मैंने आपको PCD में ड्रिल मारने के लिए समझाया कि कैसे मारना होता है, ठीक है। जो देखिए मेरा मेन जो मकसद है वीडियो बनाने का या लोगों के पास जाने का या समझाने का, अब आप देखिए मैं इतनी हार्ड ड्राइंग को बना सकता हूँ, इतनी हार्ड ड्राइंगों को बना सकता हूँ, देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग सब कुछ सीखें, जानें, वो ग्राउंड जीरो वाली बात समझ के आए, क्योंकि जो मान लीजिए हम और आप BTEC करके आए, डिप्लोमा करके आए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे यूनिक होती हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, और शायद जानते होंगे डिटेल से नहीं जानते होंगे, गहराई से नहीं जानते होंगे। मैं चाहता हूँ मैं उनको हर एक टॉपिक पर जानकारी देता रहूँ। सबसे पहले यही करना होगा आपको कि आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आप किस फील्ड से हैं और आपको क्या जानना है, मैं एक एक करके सारी जानकारी यहाँ पर ला कर देता रहूँगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको लोग वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तब आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी हर क्वेरीज को और अपनी भाषा में मुझे बताइए। ज़रूरी नहीं है मैंने यहाँ पे होल लिखा है, ये ड्राइंग में होल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है होल, आप कहते हो इसमें मुझे ड्रिल करना है, छेद करना है, अपनी भाषा मुझे बताइए, आपकी भाषा क्या है, आप अपनी भाषा में कैसे बोलते हो। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन उसे हम ऑफिशियल तरीके से नहीं बात कर पाते, नहीं बोल पाते हैं, लोगों को समझा नहीं पाते भाई मैं क्या जानना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपनी भाषा में मुझसे बात करो, अपनी भाषा में मुझसे पूछना चाहो और मैं आपको अपनी तरीके से, आपके तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको चीज़ समझ में आए, आपको पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो इतना कमाल का होगा आप सोच नहीं पाएंगे कि क्या इतना आसान था, क्या ये इतना आसान था कि यहाँ से यहाँ तक सीडी निकालना एक मिनट का काम था, यहाँ से यहाँ तक सीडी निकालना एक मिनट का काम था। मैं प्रैक्टिकली उसको एक एक करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा आप लोगों का। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ नया, कुछ यूनिक सीख के आएंगे, ग्राउंड जीरो वाली रिपोर्ट लेकर आऊँगा, मतलब बिल्कुल जो चीज़ लेकर आऊँगा वो बिल्कुल यूनिक कंटेंट होगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा।